नमस्कार, मैं खुशबू राय। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने अपना जश्न नहीं मनाया। अनबन तरीके से अमित शाह आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चले गए। ये पहली बार है जब सरकार के कामकाज का ढोल नहीं पीटा गया, क्योंकि विजेता राहुल गांधी घोषित हुए हैं। आपको याद हो तो पता होगा कि जब 100 दिन मोदी सरकार के पूरे होते थे तो देश भर में सरकार के मंत्री, सांसद और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते थे। लेकिन 2024 में सरकार आई और सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार ने रस्म अदायगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भर किया। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मोदी यू टर्न सरकार रही है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक विजय विद्रोही ने न्यूज तक से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार मोदी फेल हो गए हैं और राहुल गांधी विजेता हुए हैं। जब सवाल पूछा गया कि इन 100 दिनों में कौन भारी पड़ा तो विद्रोही कहते हैं कि इस बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है। मोदी सरकार को राहुल गांधी के दबाव में 6-7 यू टर्न लेना पड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो मोदी मजबूत नेता बनने की ओर अग्रसर थे वो 2024 में मजबूत के बजाय मजबूर नेता के तौर पर उभरे हैं और 100 दिन का जश्न 100 घंटे तक नहीं चला। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी परेशान है और राहुल गांधी ने अपने हर काम करवा लिए हैं। जानकार विजय विद्रोही आगे कहते हैं कि पिछले 10 साल तक मोदी एजेंडा तय कर रहे थे, लेकिन 2024 में राहुल गांधी एजेंडा तय कर रहे हैं और मोदी उस पर चल रहे हैं। आप इसे हरियाणा और कश्मीर के चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। जिस बीजेपी को चुनाव की मशीन कहा जाता था वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह पहुंच जाते हैं, वो बीजेपी हरियाणा और कश्मीर में मोदी की रैली नहीं करा पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी की रैलियों में भीड़ भी भारी कम है और इसलिए शायद अब मोदी को बीजेपी बचा कर रख रही है ताकि मीडिया द्वारा बनाया गया गुब्बारा फूट ना जाए। इसलिए कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और बीजेपी पीछे हो गई है और इसमें अहम भूमिका राहुल गांधी का है। इसी वजह से इस बार 100 दिन के काम का ढिंढोरा उस तरह से नहीं पीटा गया जिस तरह से पहले पीटा जाता था और इसका असर मोदी के चेहरे पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक दबी जुबा में ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी अध्यक्ष को लेकर परेशान कर रही है। मोदी शाह चाहते हैं कि उनका पसंदीदा अध्यक्ष बने जबकि आरएसएस अपने तरीके से अध्यक्ष का नाम तय कर रहा है। इसमें भी खींचातान चल रही है। इससे समझा जा सकता है कि मोदी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और घिर भी गए हैं। देखना होगा कि आगे मोदी शाह अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं और आगे अपनी बातों को कैसे रखते हैं। लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी 100 दिन के विजेता है।